स्टूडेंट्स वालेकुम टुडे वी स्टार्ट द लेक्चर फॉर क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर टू लेक्चर नंबर एंड आवर टॉपिक इज वेक्टर प्रोडक्ट और इट इज आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट सो हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म वेक्टर प्रोडक्ट व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई विद ईच अदर जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं देन द आंसर विल बिकम वेक्टर क्वांटिटी व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई विद ईच अदर देन द आंसर विल बिकम वेक्टर क्वांटिटी सच प्रोडक्ट आर नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट जब हम किसी दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इन दोनों वेक्टर्स के मल्टीप्लाई होने की वजह से हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें जो आंसर मिल रहा है well vector product. Vector product वो इस वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है विल बिकम वेक्टर क्वांटिटी सच प्रोडक्ट आर नॉन एस वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई होने की वजह होने के बाद हमें जो आंसर आएगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा इस प्रोसेस को नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट आर क्रॉस प्रोडक्ट अदर नेम इज़ क्रास प्रोडक्ट इट इज़ बिकॉज ऑफ़ द सिंबल ऑफ़ क्रास इज़ यूज बिटवीन टू वेक्टर इसको हम क्रास प्रोडक्ट इसलिए कह रहे हैं इसमें बच्चे क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में क्रास का सिंबल यूज़ हो रहा है इसकी वजह से हम इसको नाम देते हैं क्रास प्रोडक्ट आर वेक्टर प्रोडक्ट सो फॉर एग्जाम्पल ये सपोज हमारे पास जो सी वेक्टर है एक थर्ड वेक्टर है जब हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया क्रास किया इन दोनों के क्रॉस होने की वजह से हमें जो थर्ड वेक्टर मिला वो ले सपोज सी वेक्टर मिला इसकी वजह से ये बन जाएगा सी इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वेक्टर। आरम मैग्नीट्यूड के फार्म में इसको हम कैसे लिख सकते हैं सी वेक्टर टू ए बी शांति डा अभी हमारे पास एग्जाम्पल कौन सा है इज इक्वल टू वेक्टर क्रॉस वेक्टर ये क्या होगा जब दो वेक्टर्स आपस में क्रॉस हुए इन दोनों वेक्टर के क्रॉस होने के बाद हमें जो आंसर मिला वो भी वेक्टर क्वानिटी मिला इस प्रस को नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट सो so, फॉर एग्जांपल हमें ये पता है एंगुलर मोमेंटम का सिंबल एल है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम दो टर्म के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है एक तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हो गया और दूसरा हमारे पास लीनियर मोमेंटम होगा सो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर एंड द लीनियर मोमेंटम आर नोन एज एंगुलर मोमेंटम डेस्टोर आर का मतलब है यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी का मतलब लिनर मोमेंटम एल का मतलब एंगुलर मोमेंटम उसके बाद हमारे पास एग्जांपल टारक है टारक का संभल ये लेटर टायर से लिया गया और टारक इसके बराबर है क्रास फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर आर अगर हम कहेंगे अगर हम फोर्स और पोजिशन वैक्टर को हम दोनों को क्रास मल्टीप्लाई करेंगे हमें जो आंसर मिलेगा वो भी वैक्टर क्वान्टी मिलेगा मिस जो हमारे पास टारक है वो भी वैक्टर क्वान्टिटी है सो so, इसकी हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्पटूटर लॉ को भी नहीं कर रहा है इसका मतलब ए क्रास बी ड नॉट इक्वल टू बी क्रास है ये जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रास प्रोडक्ट रेस्टो ये जो है कम्पटर लॉ को भी नहीं कर रहा सो वेर सो वी हैव द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट इट ओबे द डिस्ट्रीब्यूटोला ये जो हमारे पास वैक्टर प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटोला को ओबेकर है सो so, ये बन जाएगा ए क्रास बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर विच इज़ इक्वल टू ए क्रास बी प्लस ए क्रास सी उसके बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है वो है इट ओबे दीन्स एम एन एन टो ए करास बी विच इज ऐम ए कर एम ए वैक्टर क्रास एन बी वक्टर सो हुई है थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी एफ वैक्टर एज पेल टू वेक्टर बी हमने ये कहा अगर ए वेक्टर बी वेक्टर से पहले होगा देन द प्रोडक्ट विल बिकम जीरो अगर दो वेक्टर्स आपस में पेल होंगे और हमारे पास एंगल जो बनेगा वो जीरो डिग्री बनेगा अगर दो वेक्टर्स आपस में पेलल होगा जो हमारे पास क्रास प्रोडक्ट आंसर आएगा mm. वो जीरो आएगा इसको हम कैसे लेख सकते हैं ये बन जाएगा ए वैक्टर क्रास बी वैक्टर वो इज्ल ए बी साइंटी डा सो ए वैक्टर क्रास बी वैक्टर विच इजल ए बी जिसके जगह पे थीटा है इसके जगह में जीरो लिखेंगे ये बन जाएगा ए साइन जीरो किसके बराबर जीरो के बराबर है ये बन जाएगा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर इज इक्वल टू जीरो सो ये हमारे पास पांचवा प्रॉपर्टी है एफ ए वैक्टर्स परपेंडिकुलर टू तो बी वेक्टर देन प्रोडक्ट प्राइडिक्टस मैगजिम लेकिन अगर हम ए वेक्टर जो है हमारे पास बी वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा क्योंकि अगर ए वैक्टर बी वैक्टर्स अपन परपेंडिकुलर होंगे यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो नाइन्टी डिग्री बनेगा और जो हमारे पास साइन नाइनटी डिग्री होगा वो वन के बराबर हो जाएगा फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वक्ट बचेगा ए बी साइन नाइनटी डिग्री ए साइन नाइनटी डिग्री किसके बराबर वन के बराबर सो ये बन येगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वैक्टर ए बी सो वी हैव सिक्स प्रॉपर्टी द वेक्टर द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए बाय सेल्फ विल बी जीरो हमने ये कहा अगर हम सेम वक्टर्स को अगर हम सेम वक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसका हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो जीरो मिलेगा द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय इटसेल्फ विल बी जीरो सो यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो जीरो डिग्री मिलेगा सो ये बन जाएगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए विक्ट ए साइन जीरो डिग्री साइन जीरो डिग्री जीरो के बराबर सो so ये बन जाएगा ए वेक्टर वैक्टर के वैक्टर को जीरो के बराबर बन जाएगा सो so, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं वैक्टर प्राइडर के बीच में हमने ये कहा सपोज आय क्रास आए किसके बराबर हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा जीरो क्यों बराबर हो जाएगा क्योंकि जाए ये जो हमारे पास आए हैं ये दोनों आपस में सेम है हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर सिक्स यहाँ पे लगेगा हमने ये कहा अगर हम क्रास प्रोडक्ट की बात करेंगे अगर हमारे पास सेम वक्ट होंगे इन सोन सेम वक्टर को अगर हम आपस में क्रास प्रोडक्ट करवाएंगे हमें रिजल्ट जो आएगा जीरो मिलेगा इसके लिए असम हम यहाँ पर लिखेंगे आय क्रास आई इजिकल टू जीरो जे क्रास जे के इज़ जीरो के क्रास के जीरो क्योंकि ये आपस सेम आई आई सेम है जे जी सेम है के के की वजह से इन तीनों को जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट होगा जीरो होगा उसके बाद हमारे पास ये बन जाएगा i क्रास j ये करें अगर हम i को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर k मिलेगा अगर हम j को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर i मिलेगा और अगर हम k को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर जो मिलेगा वो j मिलेगा और हमने अगर हम यहाँ से इसको इन्वर्स कर लेंगे फिर ये बन जाएगा जे क्रस आए जी को हमें माइनस के मिलेगा या के क्रस जी हमें माइनस आई मिलेगा आय क्रास के हमें माइनस जे मिलेगा सो डियर स्टूडेंट्स थैंक यू अल्लाह फ़ेस और आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है छब्ल्यू के लिए आप लोगों के पास है कम्यूडेटर लाफ़ फॉर डर प्रोडक्ट सो थैंक यू अल्लाह फ़ेस